हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो जेस्टॉल्ट ये आपके नया शब्द हुआ। साइकोलॉजी तो आप जानते होंगे, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। तो जेस्टॉल्ट क्या होता है? पहली बात जो है, जेस्टॉल्ट एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है वो हमको कॉन्फ़िगरेशन यानी संरचना के बारे में बताती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जर्मन वर्ड कहाँ से आया? ये इसलिए आया जर्मन वर्ड क्योंकि इसकी शुरुआत, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की शुरुआत मैक्स वर्थहाइमर ने की थी। वो जर्मन थे तो इसलिए ये जर्मन वर्ड आया, कॉन्फ़िगरेशन यानी संरचना यानी जेस्टॉल्ट। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की। उनके बाद में और बहुत सारे आए साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को आगे बढ़ाया, पर शुरुआत मैक्स वर्थहाइमर ने की थी। आप कह सकते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, यानी कि जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के जनक जो हैं मैक्स वर्थहाइमर, जो कि जर्मनी के थे, उनको कहा जा सकता है, कहा जाता है बल्कि। तो ये जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी हमको क्या बताती है कि हम अपनी आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में कैसे उसको समझते हैं, कैसे उसका मीनिंग निकालते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। जो आसपास की चीज़ें हैं वो हमको क्यों वैसी समझ में आती है जैसी हमको समझ में आती है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है आसपास हमारे, उसको हम कैसे समझते हैं। अगर जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का ये कहना है कि द सम ऑफ द पार्ट्स इज ग्रेटर देन द होल। यानी कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ के 10 हिस्से हैं, तो ये मतलब नहीं कि आप उसको 10 को जोड़ देंगे तो वो एक चीज़ हो गई, वो एक से ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है। तो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहती है कि होल यानी कंप्लीट को देखना चाहिए, छोटे छोटे हिस्सों को नहीं देखना चाहिए। फिर जो है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है वो उसकी शुरुआत किसके रिस्पांस में हुई, किसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप हुई, वो थी स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पांस में हुई। जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसकी शुरुआत करने वाले थे विलहेल्म वुंड, इनका आपने नाम सुना होगा। इन्होंने लीपजिग जर्मनी में पहली, दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी। तो विलहेल्म वुंड की अप्रोच ये थी कि हर चीज़ के कंपोनेंट को, अवयव को, छोटे से छोटे को समझना है। तो वो छोटे छोटे कंपोनेंट हमको समझ में आ जाएंगे तो सारी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन मैक्स वर्थहाइमर का कहना उल्टा था। उन्होंने कहा कि हम ऐसे छोटे छोटे एक एक पार्ट करके चीज़ों को नहीं समझते हैं जब हम नॉर्मल दुनिया में जीते हैं, तो हम तो एक कंप्लीट चीज़ को देखते हैं और उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं। तो इसलिए हमको पूरी चीज़ के बारे में समझना होगा, वो हमको कैसी दिखती है, क्यों दिखती है, क्या कारण है, तो फिर हमको समझ में आएगा कि जो है इंसान चीज़ों को कैसे परसीव करता है। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन जो है हमारे आसपास की दुनिया में जो भी हो रहा है, कुछ भी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? हमारे पांचों जो सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि संवेदी अंग जो हैं, पांचों, आँख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा, ईयर, नोज, टंग, थ्रोट, स्किन एंड नोज हो गया। तो पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनके जरिए हमको मिलती है। अब वो इन्फॉर्मेशन तो आ रही है लेकिन उसका मीनिंग हम कैसे निकाल रहे हैं? तो वो हम कई चीज़ों के कॉम्बिनेशन से निकालते हैं, एक एक करके नहीं कि हमने जो है आँख से अलग मीनिंग निकाला, कान से अलग मीनिंग निकाला, नोज से अलग निकाला, टंग से अलग निकाला, स्किन से अलग निकाला और फिर उनको जोड़ा और फिर उसका मीनिंग निकाला। नहीं,
हम एक साथ सारी चीजों का जो है कॉम्बिनेशन करके मीनिंग निकालते हैं, ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कहना है। और इसीलिए हमको होल यानी कंप्लीट पार्ट्स, कंप्लीट उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि सेपरेट कंपोनेंट्स पे, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म कहती है। तो इस तरीके से हमारी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म में डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने बताया, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है मैक्स वर्थहाइमर ने शुरुआत की थी, इज़ द फादर ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और कई इंपॉर्टेंट नाम है वो आपके सामने स्क्रीन में है, जैसे वुल्फ गैंग कॉयलर, इन्होंने ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च की थी, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्व करते में हम जो है कैसे जो है प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, कैसे उसके बारे में अपने जो है एक्शंस को डिसाइड करते हैं। कर्ट कोफका ने जो है कहा कि भाई जो बच्चा जब पैदा होता है वो ऐसा थोड़ी कि एक एक कंपोनेंट छोटा छोटा समझता हो, उसके बाद में फिर उसको जोड़ के मीनिंग समझता हो। तो बच्चा तो सीधे सीधे जो एक कंप्लीट चीज़ को देखता है, जो भी उसके सामने है उसका मीनिंग निकालता है। और ये हमारी इननेट टेंडेंसी है, इननेट यानी पैदाइशी है, सभी हम इस तरह से करते हैं। तो यही हम पूरी ज़िंदगी करते हैं। फिर और भी इमैनुअल कांत, अर्नस्ट मैक, कर्ट लुविन, कर्ट गोल्डस्टीन, ये सब जो है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फील्ड में काफ़ी जाने माने नाम हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो कॉम्प्लेक्स दुनिया है हमारे आसपास, इसका हम कैसे मीनिंग निकालते हैं, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ये बताया जाता है। तो जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं वो ह्यूरिस्टिक्स की तरह है। ह्यूरिस्टिक क्या होता है वो समझिए, ह्यूरिस्टिक जैसे थंब रूल जिसे कहते हैं, थंब रूल क्या होता है कि आप जो है एक कोई पर्टिकुलर एक्शन डिसाइड कर लेते हैं और सेम टाइप की प्रॉब्लम में हमेशा उसको अप्लाई करते रहेंगे। तो थंब रूल से आपको हो सकता है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन सब में मिल जाए ये गारंटी नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो थंब रूल है फिर हम अपनाते हैं, क्योंकि जब मिस्टेक होने के फिर चांसेस है कभी ना कभी हो सकती है, वो इसलिए कि ये शॉर्टकट्स होते हैं, हमारे काम को आसानी से कर देते हैं। तो जो हमारे आसपास की दुनिया है, अगर हम इसको स्ट्रक्चरलिस्ट के तरीके से अगर हम समझें हमेशा, कि पहले एक एक हर छोटे छोटे कंपोनेंट को समझें, फिर उनको जोड़ें, फिर उनका मीनिंग निकालें, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हमेशा ये कर पाएँ। और इमरजेंसी के केस में तो हो सकता है हमारी जान भी चली जाए, पॉसिबल है। तो इसलिए ह्यूरिस्टिक को अपनाना कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है सर्वाइवल के लिए। तो ह्यूरिस्टिक जो है वो हमको स्पीड देती है, हमको गति देती है अपने काम करने में। एक होता है फाइव फिनोमेना चीज होती है, जो आपकी स्क्रीन में आप जो डॉट्स देख रहे हैं, अगर इनको बल्ब मान लीजिए, तो इनको अगर जलाया जाए एक एक करके, मान लीजिए 5 सेकंड के अंतर से, तो आप कहेंगे हाँ एक एक करके ये सारी लाइट जल रही है। लेकिन यही अंतर हम 5 सेकंड की बजाय जो है 5 माइक्रो सेकंड करके जलाएं बारी बारी से, अभी भी बारी बारी से जला रहे हैं, लेकिन बस हमने समय का अंतराल कम कर दिया, जो टाइम इंटरवल बिटवीन टू लाइट्स वो हमने घटा दिया, 5 माइक्रो सेकंड कर दिया। तो अब आपको क्या लगेगा कि जैसे लाइट जो है दौड़ के आगे चली जाती जा रही है, रनिंग है। जैसे आपने बिजली वगैरह की जो झालर होती है दिवाली में, आपने उसमें देखा होगा, दिवाली में हमको जो लाइटिंग होती है ऐसा लगता है कि जैसे लाइट दौड़ रही हो, वो लाइट नहीं दौड़ रही होती, एक एक बल्ब बारी बारी से सीक्वेंशियली जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, लाइट नहीं जा रही कहीं आगे पीछे, लेकिन वो आभास हो रहा है, वो वर्चुअली हमको लग रहा है। सो ये भी जो है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, इसे फाइव फिनोमिना कहते हैं। आपने ट्रेन में भी एक्सपीरियंस किया होगा, रेलवे स्टेशन पे आप बैठे हुए ट्रेन में, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे, कहीं नहीं जा रही है, लेकिन अगली दूसरी पटरी पे जो एक ट्रेन खड़ी वो चल दी, तो आपको ऐसा आभास होता है, लगता है कि आपकी ट्रेन चलने लग गई है। सो ये सब जो है हमको चीज़ बताती है कि कैसे जो है हम सारी चीज़ों को एक साथ करके मीनिंग निकालते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो परसेप्शन यानी कि पांचों सेंसरी ऑर्गन्स, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इन सब से जो है हम कैसे मीनिंग निकालते हैं,
उसके कुछ उदाहरण हम देते हैं। तो सबसे पहला जो है, छह टोटल नियम हैं, जस्ट और लॉज जो हैं वो छह हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अगर आप इन डॉट्स को देख रहे होंगे तो आपको ये डॉट्स दो हिस्सों में नजर आ रही होंगी, ये एक लाल डॉट्स हैं और ये ग्रीन डॉट्स हैं। डॉट्स सब एक साथ ही हैं, एक ही साइज की हैं, लेकिन रंग अलग होने की वजह से आप इसको दो हिस्से में देख रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा देख रहे हैं? क्योंकि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। जो हरी वाली डॉट्स हैं वो आपको सिमिलर दिखाई दे रही है, जो रेड वाली डॉट्स हैं वो आपको सिमिलर दिखा रही है, इसलिए आप उसको दो हिस्से में देख रहे हैं जबकि वो एक साथ हैं। फिर भी फिर अगला आता है लॉ ऑफ प्रेगनेंस। लॉ ऑफ प्रेगनेंस क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ हमको दिखाई देती है तो उसका जो सबसे सरल मीनिंग है वो हम निकालते हैं। जैसे आपके सामने जो ये फिगर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोला आपने, पांच सर्कल जो हैं जो आपस में जुड़े हुए जैसे हैं। और भी कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं इसके, लेकिन ये सबसे इजी मीनिंग है, तो इसलिए जो है हम इसको पांच सर्कल के रूप में देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए, ओलंपिक में जो सिंबल्स हैं वो यही पांच सर्कल से ऐसे जुड़े जाते हैं, और ये पांच सर्कल जो है पांच कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगला आता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पे आप फिर जो है दो हिस्सों में देख रहे हैं, एक हिस्सा ये वाला, एक ये। यहाँ तो डॉट्स का साइज भी सेम है और कलर भी सेम है, फिर आपने क्यों अलग अलग देखा? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी यानी नज़दीक ही नहीं है। जो चीज़ें नज़दीक होती हैं उनको हम एक साथ देखते हैं, और जो नज़दीक नहीं होती उनको अलग अलग देखते हैं। तो यहाँ पे ये नज़दीकी नहीं होने गैप की वजह से ये हमको दो हिस्से में देखते हैं। चौथा लॉ है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ये जो डॉट्स एक के बाद एक लगातार बनती चली गई, तो इसको हम एक कर्व्ड लाइन के रूप में देख रहे हैं, एक वक्रीय रेखा के रूप में देख रहे हैं। ये एक लाइन है जो कर्व्ड है, जैसे कि पहाड़ी रास्तों पे रोड वगैरह होती है। तो ऐसा क्यों हमको दिखाई दे रहा है बजाय डॉट्स के, एक लाइन क्यों नजर लग रही है हमको? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। पांचवा है लॉ ऑफ क्लोजर। अगर कोई चीज एक बंद आकृति बनाए, क्लोज फिगर बनाए, तो हम उसको एक साथ देखते हैं, जैसे कि ये। अब ये पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन ये चार फिगर्स हैं जो वी शेप में हैं, इनको ऐसे अरेंज किया गया है कि वो एक बंद फिगर यानी कि रोम्बस का आभास दे रही हैं, तो इसलिए हम इनको एक साथ एक करके देख रहे हैं। इसको लॉ ऑफ क्लोजर कहते हैं। क्लोज फिगर दिखी तो हमने उनको एक साथ देखा। अगर मैं आपसे अगला जो है लॉ ऑफ कॉमन रीजन, अगर मैं पूछूं क्या देख रहे हो, आप कहोगे दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल में दो दो डॉट्स हैं, यही तो कहोगे। तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि चार डॉट्स हैं और दो सर्कल हैं? या आपने ये क्यों नहीं कहा कि दो डॉट्स दूर हैं, दो डॉट्स नज़दीक हैं और दो सर्कल हैं? क्योंकि हम ऐसे देखते हैं चीज़ें, अगर किसी एक कॉमन रीजन में हो तो उसको एक साथ देखते हैं। जैसे ये वाला सर्कल एक कॉमन रीजन हो गया, इसलिए इन दोनों डॉट्स को हम एक साथ देख रहे हैं। इसी तरह ये वाला सर्कल एक कॉमन रीजन हो गया, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं। दूरी की बात करें तो ये दोनों नज़दीक हैं, लेकिन हम इनको एक साथ नहीं देख रहे हैं, हम इनसे दूर वाली चीज़ों के साथ में देख रहे हैं। इसको इसके साथ में देख रहे हैं और इसको इसके साथ में देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन रीजन ये सर्कल है और इन दोनों का कॉमन रीजन ये वाला सर्कल है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कॉमन रीजन हो गया। तो ये छह लॉ जिस्टॉल्ट के हैं जिनके जरिए हम परसीव करते हैं। फिर जो है जिस्टॉल्ट थेरेपी आती है, वो जिस्टॉल्ट थेरेपी साइकोलॉजी में है। उसमें हम ये कहते हैं कि जो इंसान है उसके पास्ट एक्सपीरियंस, उसका करंट एनवायरनमेंट, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी नीड्स यानी जरूरतें, ये सब डिसाइड करेंगे कि वो कैसे बिहेव करेगा। तो हमको पहले उसको समझना पड़ेगा कि वो जो है क्या है। ये सारी चीज़ें किसी एक चीज़ के आधार पे, जैसे उसका खाली पास एक्सपीरियंस लिया, बाकी हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसको थेरेपी दें, नहीं हो सकता। हमें उसको एज ए कंप्लीट पैकेज समझना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम है या उसको क्या ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे कुत्ता एक आया, उसको देख के एक आदमी उससे खेलने के लिए आगे बढ़ा, दूसरा डर के भाग गया, क्योंकि दोनों के पास एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं।
एक को किसी ने बचपन में कुत्ते में काटा हो तो वो डर के भागेगा, डर बैठा हुआ अंदर। दूसरे के हो सकता है घर में अभी कुत्ता हो, उससे खेलता हो डेली, उसका करंट एनवायरनमेंट ऐसा है, उसका कोई पास एक्सपीरियंस था ख़राब नहीं, इसलिए वो डरता नहीं है। या मान लीजिए एक आदमी ने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया, तो वो कहीं जाएगा तो उसको जो है क्या ढूंढेगा वो बताइए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, खाना ढूंढेगा। अगर सोने का कोई जेवर भी पड़ा होगा ना, उस पर ध्यान नहीं जाएगा उसका, खाने पे ध्यान, खाना कहाँ है। लेकिन एक आदमी जो खाना खा चुका है, वो थका हुआ है, वो क्या ढूंढेगा? बिल्कुल ठीक, वो बिस्तर ढूंढेगा। तो उसको जो है बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं जा रहा, उसको रेस्ट पे फोकस जा रहा होगा, वही चीज़ें ढूंढ रहा होगा कि आराम कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। तो हर चीज़ जो है अपने में इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉम्बिनेशन उनका अलग ही होगा। ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये इसी तरह जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं एडवर्टाइजिंग में भी, पैकेजिंग में भी, मार्केटिंग में भी, सेल्स में भी। अगर हमको कोई चीज़ बार बार दिखाई दे और उसके साथ में प्लेजेंट फीलिंग जोड़ दी जाए, जैसे आपको कोई एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाया जाता है कि ये चीज़ पीते ही वो आदमी जो है एकदम से ताकतवर हो गया, बार 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 दिखाया जा रहा है, तो जब आप मार्केट में चीज़ वो लेने जाएंगे, उसको देखते ही आप में वो वाली फीलिंग जगेगी जो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने में लगती थी, ताकतवर वाली। तो आप अनकॉन्शियसली, जान के नहीं, अनकॉन्शियसली उस चीज़ को ले लेंगे क्योंकि आपको उस चीज़ को देख के अच्छी फीलिंग आ रही है, जो रिपीटिशन बार बार एडवर्टाइजमेंट का हुआ। आप देखते होंगे कोई भी जो प्रोडक्ट आता था, तो इसीलिए उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट बार 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 लगातार हर जगह होती है। फिर जो चीज़ें सिमेट्री से रखी होंगी वो आपको पसंद आएंगी। तो अगर जो शेल्फ में जहाँ सामान बेचा जाता है वहाँ पे सिमेट्री से चीज़ों को रखा जाए तो आपको पसंद आएंगी, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे। इसी तरह से कलर्स, बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो ब्राइट कलर्स में रखते हैं, बच्चों से अट्रैक्ट होते हैं। फीमेल्स की जो चीज़ें हैं वो उन कलर से बनाई जाती है जो फीमेल को अट्रैक्ट करती हैं, मेल्स की जो है मेल वाले कलर्स में होती है। तो इस तरीके से ये जो लॉज ऑफ परसेप्शन अलग अलग तरह के हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। कोई चीज़ पे हमारा ध्यान ले जाना है तो उसको साइज में बड़ा कर दो, या उस पर ज़्यादा लाइट डालो, या उसका जो है रंग एकदम ब्राइट कर दो जिससे हम आकर्षित हों। इवन जैसे हिंदुस्तान में मेल की एवरेज हाइट मान लीजिए 5.5 फुट है, फीमेल की एवरेज हाइट मान लीजिए 5 फुट 2 इंच है, तो लगभग 5 फुट की हाइट पे जो है आंखें होंगी लोगों की, आई लेवल जो है, आंखों का लेवल जो है जमीन से लगभग 5 फुट पे होगा। तो जो सामान लगभग 5 फुट की हाइट पे शेल्फ में रखा होगा मॉल वगैरह में, स्टोर्स वगैरह में, सबसे पहले ऑटोमेटिकली हमारी नज़र वहाँ जाएगी। तो जो सामान उनको सबसे ज़्यादा बेचना है वो उस आई लेवल पे रखेंगे, 5 फुट के आसपास। तो इस तरह से जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का इस्तेमाल खाली थेरेपी में नहीं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, पैकेजिंग, इन सब में होता है। इस पे हायरार्की भी बना दी जा सकती है। हायरार्की का मतलब पहले ये, फिर सेकेंड ये, फिर थर्ड ये। जैसे मान लीजिए उनको हमारा ध्यान किसी ऐसी चीज़ पे ले जाना है कि सबसे पहले इधर ध्यान देना चाहिए, तो उसको साइज में सबसे बड़ा कर दिया, या सबसे ज़्यादा लाइट वहाँ पे कर दी, या सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर उसको दे दिया। फिर नेक्स्ट उसके सेकेंड लेवल पे ले जाने, उसको थोड़ा छोटा साइज कर दिया, या थोड़ा लाइटर कलर कर दिया, फिर तीसरे में और छोटा कर दिया, उससे भी लाइट कलर कर दिया, फिर उसे सबसे छोटे वाले में भी अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ दिखानी है तो उसको फॉन्ट स्टाइल उसका अलग कर दिया, उसका जो है अलग टाइप का जो है रंग कर दिया है, या इटैलिक्स में कर दिया। इस टाइप से जो है हमको एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को इस्तेमाल करके हमारा ध्यान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो एक चीज़ जो है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में होती है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर मतलब आकृति, ग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड, इसको हिंदी में कहेंगे पृष्ठभूमि। तो
तो अगर हम फोकस करेंगे आकृति पे तो हमको कुछ और दिखाई देगा, और अगर बैकग्राउंड पे फोकस करेंगे तो हमको कुछ और दिखाई देगा। अभी इसको मैं और डिटेल में आगे बताऊंगा। तो इस तरह से जो है जेस्टॉल साइकोलॉजी केवल साइकोलॉजी में ही नहीं, बहुत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल होती है। अब हम फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप को समझते हैं। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप मैंने जैसा कि बताया कि हम बैकग्राउंड यानी कि ग्राउंड, हिंदी में कहें पृष्ठभूमि पे फोकस करेंगे तो हमको अलग चीज़ दिखाई देगी, और फिगर यानी कि आकृति पे फोकस करेंगे तो कुछ अलग दिखाई देगा। तो ये हमको क्यों अलग अलग दिखाई देता है अलग अलग जगह पे फोकस करने पे, उसके चार मेन रीजन्स हैं। पहला है ब्लरीनेस। ब्लरीनेस का मतलब हो गया धुंधलापन। अगर कोई चीज़ जो है एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर जगह के बारे में धुंधली सी हो रही है, तो वहाँ तक हम उसको एक वस्तु मानेंगे और उसके आगे की दूसरी हो जाएगी। दूसरा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे एक मान लीजिए ब्लैक रंग में है, एक वाइट रंग में है, या एक रेड में है, ग्रीन में है, तो इस तरह से जो है, या एक येलो में है, एक रेड में है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर अगर होंगे तो भी हम उनको अलग अलग देखेंगे फिगर और ग्राउंड के रूप में। तीसरा है साइज। साइज अगर बहुत फर्क होगा तो भी हम जो है फिगर और ग्राउंड में फर्क करेंगे। और चौथा होता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब दूरी उनमें कितनी है, जो जितना जो है दूरी ज़्यादा होगी तो उसको हम अलग रूप में देखेंगे। तो अब इसी फिगर ग्राउंड की जो बात है इसको हम समझेंगे एक फिगर के जरिए। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो फिगर है इसमें अगर जो ब्राउन वाला हिस्सा है इस पे आप फोकस करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ह्यूमन बीइंग्स आदमी दिखाई देंगे ब्राउन वाले पे फोकस करने पे। जैसे एक ही आदमी का ये उसका फेस हो गया, ये मान लीजिए उसका चेस्ट वाला हिस्सा हो गया, ये जो है उसके पैर हो गए, इसी तरह ये दूसरा आदमी उसका सर हो गया, ये उसकी इधर नाक हो गई, ये चेस्ट एब्डोमन लेग, इसी तरह तीसरा आदमी, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा आदमी हो गया। लेकिन अगर आप ब्लैक वाली चीज़ फोकस करेंगे तो आपको पिलर जैसी चीज़ें दिखाई देंगी, कुछ कुछ शतरंज की जो गोटियाँ होती हैं वैसी भी आपको लग सकती हैं। लेकिन अब आप जब ब्लैक वाली चीज़ फोकस करेंगे तो आपको आदमी नहीं नजर आएगा, आपको पिलर्स टाइप की चीज़, लकड़ी की चीज़ें ऐसी लगेंगी। सो यही जो है फिगर और ग्राउंड होता है। जैसे इस पर्टिकुलर जो आपके सामने इमेज है इसमें जो है ग्राउंड हो गया ह्यूमन बींग्स ब्राउन कलर, ग्राउंड पे अगर आप फोकस करेंगे बैकग्राउंड पे तो आपको ह्यूमन बींग्स दिखाई देंगे, फिगर यानी कि ब्लैक पे फोकस करेंगे तो आपको पिलर्स या शतरंज की गोटियाँ जैसी वो दिखाई देंगी। सो ये फिगर ग्राउंड था। सो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का। सो ये केवल साइकोलॉजी नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे मीनिंग निकालते हैं, वो भी हमको बताता है। तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और यूज़फुल टॉपिक भी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।